देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। हेल्थ यूनिवर्सिटी रोहतक के कार्यकारी डीसी डॉक्टर आरके यादव ने कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका जताई है। वे पीजीआईएमएस के स्किल लैब में चल रही डॉक्टरों की ट्रेनिंग का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि ऐसी आशंका है कि तीसरी लहर में बच्चे ही सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा है कि इस ट्रेनिंग में दिल लगाकर सीखें और हर बात को बारीकी से जानें। इस ज्ञान को खुद तक न रखकर आगे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है ताकि यदि तीसरी लहर आती है तो हमें उसका मुकाबला करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आए। गौरतलब है कि पीजीआईएमएस में चल रही ट्रेनिंग में 4 जिलों के डॉक्टर शामिल रहे। रोहतक से हमारे संवाददाता रिंकू परमार की रिपोर्ट। ये जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, इनको ट्रेनिंग देने के लिए जो पीकू में ट्रेनिंग देने के लिए स्किल लैब में प्रोग्राम चल रहा है जिसमें डॉक्टर कुंदन मित्तल, डॉक्टर प्रशांत और डॉक्टर मंजुनाथ वगैरह जो ऑलरेडी ट्रेंड है इसमें, ये उन डॉक्टर्स को, उन स्टाफ नर्सेज को, एनेस्थेटिस्ट को, पीडियाट्रिशियंस को, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं जो आगे चल के अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, सिविल अस्पताल के अंदर बाकी लोगों को पीकू के बारे में ट्रेनिंग देंगे। क्योंकि अब जैसा कि सोचा जा रहा है कि ये कोविड का इन्फेक्शन अगली बार बच्चों को ज़्यादा इन्फेक्टेड कर सकता है तो उसमें ज़्यादा बच्चे फिर पीकू में, पीडियाट्रिक आईसीयू में दाखिल होने की संभावना है, जिसके मद्देनज़र ये ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि एनेस्थेटिस्ट को, पीडियाट्रिशियंस को ट्रेनिंग देकर ट्रेन किया जाए इसके पीकू के हैं बच्चों की सेवा करने के लिए, बच्चों का इलाज करने के लिए। थैंक यू। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।